हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित सीरीज को। तो इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज की जो प्रश्नावली है 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब पहली बात हो रही है यहाँ पे क्या निकालना है, हमने एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है और साथ ही साथ बोल रखा है कि क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यदि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं बोला होता तो हम क्या निकाल सकते थे, गुणनखंड विधि से इसके या भाग विधि से, जो भी दोनों विधियों में से हमें जो अच्छी लगती थी हम उससे क्या निकाल सकते थे, इसका एचसीएफ निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है कि जो एचसीएफ निकालने की जो क्या है भाग विधि है, ये भाग विधि को ही क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब भाग विधि में क्या है, भाग विधि को हम कैसे करते हैं, भाग विधि में हमने जैसे लिख दिया इसको, ये भाग का चिन्ह बना दिया, यहां लिखते हैं हम क्या भाज्य, ठीक है। ये हो गया हमारा भाज्य, जिससे हम भाग देते हैं वो हो गया भाजक। जितनी बार भाग गया हम इसको लिखते हैं भागफल। और जो हमारे पास यहां कुछ शेष बचता है उसको लिखते हैं हम शेषफल, ठीक है। ये होती है हमारे भाग विधि। और इसको हम अगर लिखे तो इसको हम क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणागण भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये क्या हो गया भाग विधि के लिए हो गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बोला कि ये क्या होता है, हमने इसको जैसे हमने लिख दिया भागफल। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने इसी भाग विधि को एक क्या फॉर्मूला, फॉर्मूले के रूप में, एक प्रमेय के रूप में बता दिया। प्रमेय के रूप में क्या बताया, बताया उसने कि माना क्या है, ए और बी क्या है, दो पूर्णांक है, ठीक है। ए और बी दो पूर्णांक है, ठीक है। और जहां पे क्या है कि ए क्या है बी से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन है, ए बी से बड़ा है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, जो ए बराबर होगा हमारा वो क्या होगा बी क्यू इन टू, अब जो ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। अब जो ये ए है यही हमारा क्या होता है, यहां से भाज्य होता है, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं, इस ए को हमने लिख दिया भाज्य, ठीक है। भाज्य बराबर ये बी है, इस बी को हम क्या लिखते हैं भाजक, भाजक इंटू ये क्या हो गए क्यू, क्या है यहां पे भागफल, ये क्यू हो गया भाग फल, और आर क्या हो गया हमारा शेषफल, ठीक है। यही यूक्लिड विभाजन ने बोला, ये क्या है शेषफल। यूक्लिड विभाजन ने इसे एक फॉर्मूला का रूप दे दिया, ये हो गया, ठीक है। और जहां पे इसने बोला कि यहां पे आर का मान होता है 0 से लेकर और बी से कम, बी से कम क्यों होगा, क्योंकि बी क्या है हमारा ये भाजक है। अब इसको कैसे करते हैं, अब जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल दे रखा है 135 और 225 का क्या निकालना है, हमने एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमने लिख दिया इसको हल, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने लिख दिया हल। अब हल में हम क्या लिखते हैं कि 225 बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे क्या थे हमारे पास दो पूर्णांक ए बी थे, जहां ए बी से बड़ा था। हमने इसको क्या लिख दिया, 225 और 135 क्या है दो पूर्णांक है, और जहां पे 225 क्या है 135 से बड़ा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। आप लोग इसको पूरा लिख देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास जीरो और ये ठीक है बी से कम, यहाँ पे बी नहीं होगा ठीक है, बी से कम होगा ठीक है आर की वैल्यू। अब यहाँ पे ए की जगह पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 225, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को या बाएं पक्ष की तरफ 225, ये बराबर बी, बी की वैल्यू क्या है 135 ठीक है, ये हो गया इतना 135, ये इतना हो गया ठीक है। अब हम 135 का भाग देते हैं किसमें, 225 में ठीक है, जैसे हमने भाग विधि की थी, 135 का भाग दिया हमने किसमें 225 में, हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, एक बार जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 135, यहाँ से क्या गया 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 12 में से 3 गया 9, 90 आ गया। अब इसका भाग तो इसमें जाएगा नहीं ठीक है, इसलिए क्या बच गया, यहाँ शेष बच गया, तो कितनी बार भाग गया वो हमने या इसको इससे गुणा कर दिया, तो भाग गया हमारा एक बार ठीक है, प्लस शेष बचा हमारा 90। अब दूसरे दूसरे चरण में हम इसको क्या करते हैं कि जो यहाँ का क्या ये भाजक है, ये वहां जाके क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है ठीक है। अब ये भाज्य बनेगा तो ये क्या आ जाएगा 135 बराबर। अब जो यहाँ का शेषफल है, ये शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भाजक बन जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि जब हम भाग विधि को करते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिर हमारा ये भाजक बन जाता है ठीक है, और ये जो पहले भाज्य था ये हमारा क्या बन जाता है, जो पहले भाजक था, अब यहाँ पे 90 क्या बन गया हमारा, भाजक बन गया ठीक है, जो हमारे यहाँ पहले भाजक था अब वो यहाँ आके क्या बन गया, भाज्य बन गया ठीक है, ये हो गया। अब फिर हम इसमें भाग देंगे, भाग देंगे तो क्या होगा 90 कम ये हो जाएगा 90 ठीक है, और यहाँ से बचेगा हमारा 45। अब इसमें भी भाग जाता नहीं है तो ये क्या आ गया, शेष आ गया, तो कितनी बार गया भाग, हम इसको यहाँ लिख देंगे, तो एक बार भाग गया प्लस शेष बच गया 45 ठीक है, ये आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ जाके क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, और ये वाला यहाँ जाके क्या बनेगा, भाजक बनेगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि 90 बराबर 45 ठीक है। अब हम 45 का भाग देंगे किसमें, 90 में, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब ये बन गया हमारा भाजक बन गया, अब यहाँ जो पहले यहाँ पे क्या था भाजक था वो यहाँ आके भाज्य बन गया, ये क्या आ गया 90 आ गया, तो क्या होगा 45 दूने 90 हो गया, ये क्या गया जीरो, हमारा यहाँ पे क्या गया शेषफल जीरो, जहाँ पे शेषफल जीरो आ जाए तो हम क्या कर देते हैं इस विधि को यहीं पे रोक देते हैं, और जो ये हो जाता है ये वाला भाजक ये क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ हो जाता है ठीक है। अब ऐसे ही इसमें है, यहाँ पे क्या गया 45 दूने 90 हो गया, तो यहाँ पे शेषफल क्या गया जीरो आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको हमने लिख दिया 290 प्लस जीरो, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गया आर की वैल्यू जीरो, तो हम क्या कर देंगे कि जो यहाँ पे जो 45 है उसको हम क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि एस सी एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45 ठीक है। हम इस चरण को तब तक करेंगे या इस स्टेप को तब तक करेंगे कि जब तक कि हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो ना आ जाए ठीक है, आर की वैल्यू जहाँ पे जीरो आ गई तो हम क्या करेंगे इस स्टेप को यहीं पे रोक देंगे ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि 196 और 38,220 का क्या निकालना है, हमने एचसीएफ निकाला है यूक्लिड विभाजन से ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या लिख देते हैं यहाँ पे हल ठीक है, या तो हल लिखेंगे या तो सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे हम क्या लिखते हैं कि 196 क्या है छोटा है किससे 38,220 से ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसको क्या लिखेंगे कि ए बराबर
बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। और जहां पे आर की वैल्यू क्या होती है, जीरो से लेकर बी से कम, ठीक है, ये होगी। अब यूक्लिडियन विभाजन से ये क्या हो गया हमारा भाज्य, ये क्या बन गया हमारा भाजक, ये क्या बन गया भागफल, ये हो गया शेषफल। अब हमने एक ही जगह पे हमारा क्या है 38,220, ठीक है। अब बी की जगह पे क्या है 196, बी की जगह पे हमारा 196। अब 196 का भाग देते हैं हम किसमें, इसमें, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ रफ कार्य कर दिया, 196 का भाग दिया हमने किसमें 38,220 में, ठीक है। अब 38,220 में भाग देंगे तो पहले किसमें देंगे, इतने में, ठीक है, इतने में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार आएगा, तो ये कितना हो गया 196, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो है, यहाँ पे छः है, यहाँ से क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो यहाँ 12 में से छः गया, क्या गया, छः आ गया, यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है, इसमें भी जाएगा नहीं, फिर यहाँ से कैरी लेंगे, तो यहाँ से आ गया 17, 17 में से 9 गया 8 आ गया, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे नहीं लेंगे, वो क्यों नहीं लेंगे, भाग विधि में इसलिए नहीं लेंगे जब तक कि शेष हमारा क्या जाए इससे कम ना आ जाए, ठीक है, इससे कम और यहाँ कोई संख्या ना बचे, यहाँ तो अभी दो संख्याएं हैं, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे जब क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ कोई संख्या ना बचे और इससे क्या हो जाए, यहाँ पे छोटी संख्या हो जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से 2 निकाल दिया, फिर 196 का भाग देंगे हम किसमें 1,865 में, तो कितनी बार जाएगा ये भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है, तो 9 बार जाएगा तो 9×6=54 हो जाएगा, ठीक है, कैरी बचेगा 5, 9×9=81, 81 और 5 क्या हो जाएगा 86, ठीक है, कैरी बचेगा 8, 9×1=9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ से 2 है 4, ये तो घटेगा नहीं, यहाँ से आ गए, यहाँ 12 में से 4 गए कितना आ जाएगा 8 आ गए, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 6, ये भी घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी गया तो 15, 15 में से 6 गया 9, अब यहाँ 7 में से 7 गया 0, ये भी आ गया 0, ठीक है। अभी भी क्या है, यहाँ एक और अंक है, इस वाले अंक को हम क्या है यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अब हम फिर इसका भाग देंगे इसमें, इसका भाग कितनी बार जाएगा, इसका भाग जाएगा 5 बार, चेक करते हैं हम, ठीक है, 5×6 क्या हो रहा है 30 हो गया, ठीक है, और फिर 5×9=45 और 3×48 हो गया, कैरी हुआ 4, 5×5 और 4×9, तो ये क्या हो गया पूरी पूरी बार इसका भाग जा रहा है, मतलब या तो ये क्या गया हमारा रिमाइंडर या शेषफल क्या गया 0 आ गया, तो ये कितनी बार गया 195 बार, ठीक है, हमने इसको लिख दिया 195 प्लस 0, यहाँ पे r क्या आ गया, ये r 0 आ गया, ठीक है, r 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा SCF क्या हो गया, SCF बराबर हो गया हमारा 196, ठीक है, ये हो गया हमारा SCF, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग विधि की तरह इसको हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमने क्या इसको यहाँ फिर 196 लिख दिया, ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि यहाँ अभी क्या है संख्याएं हैं, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं होती और ये संख्या क्या इससे छोटी है तो हम क्या कर देते थे कि 186 का भाग दे देंगे इस 196 में, लेकिन यहाँ क्या है अभी दो और अंक है, इसलिए हम तब तक करेंगे जब तक कि क्या हो जाए या तो संख्या इससे कम ना आ जाए और या तो जीरो ना आ जाए और यहाँ कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए किसमें भाज्य में, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, SCF बराबर क्या गया 196, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 का हमने क्या निकालना है, SCF निकालना है यूक्लिड विभाजन से, जैसे पिछले वाले दो क्वेश्चन किए, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे इसमें, यहाँ पे हमने लिख दिया हल, ठीक है, हल, हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 867 क्या है बड़ा है किससे 255 से, ठीक है, ये 255 से बड़ा है, तो तब हम क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन
यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। यूक्लिड भी आ जाना, पर मैं इसे यूक्लिड विभाजन परमेय से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन परमेय से होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये है हमारा ए क्या है 867, ये बी क्या है हमारे पास 255। तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे क्या 867 बराबर 255। अब 255 का हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ये भाग हमने क्या कर दिया, रफ में कर दे दिया अलग पे, 255 का भाग दे दिया हमने 867 में, ठीक है। अब हम भाग देंगे तो देखते हैं कितनी बार आता है। तो पहले यहाँ पे 255 है, यहाँ पे कितनी है 867, 4 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, और ये तो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं 3 बार चेक करते हैं, ठीक है। 3 बार चेक किया तो 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। 3 पंजे 15 और फिर 1 16 हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। तो ये क्या गया, इतना गया, ठीक है। अब यहाँ से 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102। अब यहाँ कोई संख्या है नहीं, और यहाँ पे क्या है 255 बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो ये शेष आ गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये बन जाएगा हमारा अब क्या भाजक, ठीक है। शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 255 क्या बन जाएगा, हमारा भाज्य बन जाएगा, ठीक है। इसको तो इसको पहले हम यहाँ लिख देंगे 255 का कितनी बार भाग गया इसमें, 1 बार। 255 का कितनी बार भाग गया, 3 बार, ठीक है। और शेषफल कितना आया 102। फिर मैंने क्या बताया था कि नेक्स्ट स्टेप में ये इधर चले जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 255 बराबर अब क्या होगा 102। ये वाला क्या बन जाएगा हमारा, अब क्या बन जाएगा, ये भाजक बन जाएगा। ये भाजक भाज्य और शेषफल भाज्य, शेषफल भाजक। और अब इसमें क्या होगा कि जो यहाँ का भाजक है वो भाज्य बन जाएगा और शेषफल क्या बन जाएगा, भाजक। अब यहाँ पे फिर इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार देखते हैं हम। 2 दूनी 4 0 और 2 एकम 2, तो यहाँ से शेष क्या आ गया 51, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी बार गया भाग, 2 बार, तो हमने इसको लिख दिया 2 बार भाग गया और शेष कितना आ गया 51 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये बन जाएगा 102 बराबर क्या हो जाएगा 51 गुना गए, ठीक है। अब इसका भाग देंगे हम किसमें, 51 का भाग देंगे हम 102 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो क्या जाएगा 51 दूना 102, तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास 0। शेषफल 0 का मतलब क्या हो गया, 51 गुना 2 प्लस 0, ये क्या हो गया आर, ठीक है। आर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे कि एच सी एफ बराबर क्या आ गया हमारा, ये, ठीक है 51। तो ये क्या हो गया, एच सी एफ बराबर 51 आ गया। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हमारी भाग विधि है उसका सूत्र के रूप में निर्माण, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है।